इंदौर जिला कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में मामले में फैसला करते हुए पीड़ित परिवार को 22वें मोटर दुर्घटना अधिग्रहण के तहत ब्याज सहित 1,40,00,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया है। घटना साल 2021 की है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल घटना 2021 की है जहां राजगढ़ जिले के जीरापुर के रहने वाला परिवार खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से लौटते समय उनकी गाड़ी को अंधगति से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें गाड़ी में बैठे 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। जिसकी क्षतिपूर्ति राशि के लिए पीड़ित परिवार द्वारा 22वें मोटर अधिग्रहण के तहत अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल की मार्फत जिला कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को तर्क सुनने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला करते हुए 1,40,00,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया है। बड़े न्याय संगत न्याय दृष्टांत दिया है। पीड़ित परिवारों को ब्याज सहित 1,42,00,000 रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं। दरअसल घटना 2021 की है। 2021 में जीरापुर में रहने वाला परिवार जो जीरापुर ब्यावरा के पास आता है वहाँ खाटू श्याम के दर्शन करने गए थे और वहाँ से आते समय उनकी गाड़ी अंधगति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिस पर से गाड़ी में बैठे 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 2 लोग घायल हो गए थे। टोटल 8 लोगों में 3 नवयुवक थे, 1 बच्ची थी और 2 जने 45 साल के युवकों की मृत्यु हुई थी जिसके सभी की क्षतिपूर्ति के लिए हमने 22वें मोटर दाव दुर्घटना अधिग्रहण के यहाँ क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को तर्क श्रवण करने के पश्चात में पीड़ित परिवार को न्याय संगत राशि दिलाने का आदेश दिया है जिसमें 1,20,01,000 रुपये का पीड़ित परिवारों को दिलाई जाएगी। साथ ही उस पर ब्याज सहित लगभग 22,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दिलाई जाएगी। इस प्रकार से लगभग 1,40,00,000 के लगभग उनको अमाउंट प्राप्त होगा। पीड़ित परिवार को इस राशि से निश्चय ही उनके परिवार में आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। माननीय न्यायालय द्वारा मृतक के आय का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही जो नवयुवक थे जिसमें 1 बेटी थी 18 साल की, 1 नवयुवक था 20 साल का, साथ में 1 बच्चा भी था 7 साल का, उनको भी पृथक पृथक रूप से आदेश दिए हैं। यह आदेश मोटर दावा दुर्घटना 22 अधिकरण 22वें डीजे द्वारा सुनाया गया है और निश्चित ही इस राशि से पीड़ित परिवार को सहायता पहुँचेगी। इसका 2021 की घटना थी, उसके बाद पीड़ित परिवारों ने हमारे माध्यम से यहाँ पर क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी और अभी माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों का तर्क श्रवण करने के पश्चात में यह आदि राशि देने के आदेश दिए। हाँ, ये सब एक ही परिवार के लोग थे और इसमें से जो एक परिवार में से जो 2 लोग थे वे ज्वेलरी का व्यवसाय करते थे। उसमें बाकी सब बाकी परिवारों के पास तो आय के प्रूफ नहीं थे किंतु जो 2 परिवार थे जिसमें एक मृतक राधेश्याम का एक रिटर्न थे हमारे पास में और मृतक राम बाबू का रिटर्न था तो राम बाबू को कोर्ट ने 35,47,000 रुपये की राशि दी है तथा राधेश्याम जी को 26,85,000 रुपये की राशि दिए जाने के प्रत्यक्ष आदेश दिए। हाँ, ये पूरे परिवार के उनके जो सदस्यगण हैं जो मृतक पे आश्रित थे उन सभी को यह राशि दिए जाने के आदेश दिए गए हैं और यदि पीड़ित पक्षकार अगर इस राशि से असंतुष्ट होते हैं तो वह हाईकोर्ट में भी अपनी क्लेम याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ये परिवार जीरापुर अपना ब्यावरा तहसील में आता है, राजगढ़ के पास में, राजगढ़ जिले में आता है और वहीं का परिवार था और फरियादी इसमें जो राधेश्याम जी थे उनकी पत्नी मंजू थी और इन्हीं राधेश्याम का ही बेटा था ललित जिनकी माता मंजू द्वारा लगाया गया है। एक रामबाबू जी की डेथ हुई है जिनकी पत्नी सीमा द्वारा क्लेम प्रकरण लगाया गया था और मृतक बच्चा था नयन 18 साल का, उनकी माता सीमा द्वारा लगाया गया है। साथ ही मृतिका संतोष एक बेटी थी 20 साल की, उसकी माता रामसुखी द्वारा यह लगाया गया है। साथ ही एक बच्चा था 7 वर्ष का, उसके पिता महेश द्वारा यह क्लेम याचिका प्रस्तुत की। साथ में 2 एक नवयुवती घायल हुई थी जिसका नाम सरिता था उसके द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया था। साथ ही एक विनोद था उसके द्वारा क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की गई है। राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता।